वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज है संडे, आपको पता है संडे वाले दिन ना काम बहुत होते हैं। और रात को अगर आप डिसाइड करके सो रहे हो ना कि मतलब सुबह जल्दी उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है, पर फिर भी क्या होता है कि नींद लेट खुल जाती है। और आज वैसा ही हुआ, घर वाले सारे मतलब उठे हुए हैं कब के, काम कर रहे हैं, और मैं अभी उठा हूँ जस्ट 9:15 पे। मतलब आज ज़्यादा लेट हो गया। अब पहले हम जब स्कूल जाते हैं ना तो स्कूल का टाइमिंग अलग होता है, सुबह 5:30 उठ जाओ, पर आज का जो संडे का था ना, मैंने सोचा आज संडे है तो चलो क्यों ना 1 घंटा फालतू सो लिया जाए। तो बस वही, और रात के टाइम थोड़ी सी बारिश मतलब बूंदाबांदी हुई थी, पर अब उठा हूँ तो सुबह छत के ऊपर मतलब मौसम एकदम मस्त वाला है, कसम से एकदम मस्त वाला। बादल भी हैं और धूप भी थोड़ी थोड़ी है, पर हवा अच्छी चल रही है, मतलब मौसम ठंडा है आज। तो आज पता संडे है तो संडे वाले दिन काम तो बहुत होने हैं, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं नीचे और करते हैं अपने काम शुरू। ये ऊपर खड़े होकर व्लॉग बना रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा भी पाऊँ अगर स्लिप तो ख़त्म। क्या बोला तूने? क्या व्यू है, मतलब ऊपर जो घास वगैरह है ना अब बड़ी हो गई है, और 10 दिन के बाद ना यहाँ पर मतलब उसको काट दिया जाएगा। और बीच में आपको देखता हूँ फ्लावर, देखो कितने मस्त लग रहे हैं। ये देखो ये छोटे छोटे फ्लावर्स देखे आपने, येलो कलर, ये मतलब कितने मस्त लग रहे हैं। और ये घास वगैरह सब कट जाएगी अभी तो मौसम मतलब पीछे जो है ना पहाड़ वगैरह खाली हो जाएंगे। फिर ये देखो आज का जो बादल है उस तरफ सारे, और ये देखो पतंग उड़ रही, कितनी ठंडी हवा चल रही है। चलो चलते हैं यार नीचे। देखो मैं अंदर आया हूँ और अंदर देखो झाड़ू लग रहा है, मतलब झाड़ू लग रहा है तो फिर अंदर जाना मना, यहाँ पहुंच जाएगा गुस्से से देख रही। और देखो मम्मा अभी तक लेटे हुए यहाँ पर, मम्मा को आई फ्लू हो गया, 2-3 दिन हो गए यहाँ पे। और आई फ्लू में दर्द होता है, वो 3 दिन से दर्द है, पूरी आईज जो थी वो रेड हो गई थी, फिर वो हमने ड्रॉप लाई और ड्रॉप डाली है 2 दिन से, अब जाके फर्क है। और यहाँ की तो रूम की सफाई भी हो गई है, सिर्फ मैं बचा हूँ अकेला, कोई काम ही नहीं। देखो मेरे पास कितने ज़्यादा मतलब कपड़े, 1, 2, 3 सारे कपड़े हैं, अभी इनको धोना है। और रूम की सफाई लगभग हो गई है, और ये देखो बस अब ये कपड़े धोने हैं। कपड़े धोने के बाद भी देखते हैं क्या करना आगे का काम। चलो मेरे बिना टाइम वेस्ट किए ना 9:30 हो गए, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है, चलते हैं कपड़े धोने। कपड़े धोने के बाद अब इनको सुखाने के लिए डालते हैं, कसम से बहुत ज़्यादा सही है। और अभी धो के छत पे लाए हैं, टाइम 10:30 हो गया। चलो बिना टाइम वेस्ट किए इनको डालते हैं सूखने के लिए, फिर हम नहा लेते हैं। फ्रेंड्स अभी नहाने के बाद मैं आ गया हूँ छत पर, और छत पे धूप निकल चुकी है, काफ़ी तेज़ धूप निकल गई है, बादल भी हैं, बारिश का मतलब बन सकता है कुछ चांस मतलब शाम के टाइम होने का। और अब लगी है जोरों की भूख, क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं की, 11:30 हो गए हैं, और मुझे लगता है कि घर वालों ने क्या लंच भी शुरू कर दिया होगा। और मैं चलता हूँ नीचे, लाता हूँ मैगी, मैगी खाते हैं, मैगी के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे आज के संडे है, संडे इंजॉय करते हैं मैगी के साथ। चलो चलते हैं। फ्रेंड्स अभी मैंने मैगी बना ली है और अब करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ये देखो मैगी बना ली है मैंने, 1 पैकेट मैगी बनाई है, साथ में चपाती है, पानी रखा वहाँ पे, और साथ में सलाद काट लिया मैंने, क्योंकि मैगी गर्म होती है ना, सुबह सुबह खाओ।
तो ख़राब नहीं लगेगी, तुम खा लेते साथ में खीरा, ठीक है? तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैं निकालता हूँ लैपटॉप, क्योंकि लगभग इसको 15 दिन हो गए, 20 दिन ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है, तो ना ही चार्जर लगाया ना ही मतलब इसको यूज़ किया। तो अब लगाते हैं इसको चार्जर। ये रखा हुआ चार्जर मैंने यहाँ पे पास रखा हुआ है, ये इसके साथ लगाया हुआ है बोर्ड, और बिल्कुल पास रखा हुआ है चार्जर, बाकी ये सारा सामान पीछे पड़ा हुआ है। इसको लगाते हैं चार्जर, चार्ज लगा कर ना फिर यूज़ करते हैं इसको, देखते हैं। बिल्कुल धूल वगैरह देखना पड़ी होगी, साफ़ करते हैं, इतनी ज़्यादा धूल पड़ी होगी, साफ कर इसके ऊपर रखते हैं लैपटॉप। ये देखो कितनी ज़्यादा धूल इसके ऊपर पड़ चुकी है, देखो 15 दिन से ऐसे पड़ा है, कोई यूज़ कुछ नहीं किया। इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो ऊपर साफ़ करने वाला स्प्रे वगैरह थी मेरे पास ख़त्म हो गई है, तो आज ले आऊँगा तो फिर देखेंगे इसको साफ करेंगे। A few moments later. Good evening friend. तो कैसे हो सब लोग? और दिन को ना मैंने ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट की थी, 11:30-12 के बीच में, तो उसके बाद मैं लैपटॉप में सॉन्ग वगैरह सुने और फिर मैं उसके बाद सो गया। तो अब उठाऊँ 3:30-4, अभी पूरे मतलब 4:15 हुए, अब लगी थोड़ी सी भूख, तो मैंने सोचा 2 चपाती खा लेते हैं और सब्ज़ी बनी हुई है, दिन को भी खाना नहीं खाया क्योंकि ब्रेकफास्ट लेट की थी, काम वगैरह किए तो कपड़े वगैरह धोए, तो अब बाहर मौसम भी बारिश का बना हुआ है, तो चलो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर आप सीधा चलते छत पे और दिखाते हैं कि मतलब बाहर का मौसम कैसा है। फ्रेंड्स अभी अभी मैंने खाना खाया और मैं छत पे आया हूँ, 4:30 हो गए, 15 मिनट लगाए मैंने खाना खाते हुए, दिन को 11:30 ब्रेकफास्ट की थी, उसके बाद मैंने लैपटॉप वगैरह साफ किया, गाने सुने आराम से, मस्त सो गया, मतलब गाने सुनते सुनते नींद पड़ गई, और फिर उठाऊँ कितने 3:30 बजे, और फिर 3:30 उठाऊँ तो 4 भी लग गई भूख, और फिर खाना खाया आराम से, अच्छा खाया, तो 5 मिनट हो गया, बारिश थोड़ी सी हुई, अभी बूंदाबांदी जो चल रही है थोड़ी सी, बारिश छोटी छोटी चल रही है, और अब फिर से आ रही है। पीछे का मौसम देख सकते हो आप, एकदम मतलब अंधेरा पड़ा हुआ है, ये मैं कुछ खाता हूँ, ये देखो इस तरफ से पूरा मतलब बादल ही बादल हो गया, अब इस तरफ से देखो पूरा कंप्लीट, तो मतलब बारिश अगर हुई तो तगड़ी होगी, नहीं तो वरना नहीं होगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं, मोहित भाई बोल रहे थे दुकान में आना, तो उसकी शॉप पर चलते हैं, 3-4 दिन नहीं गया तो वहाँ चलते हैं, वहाँ पर ब्लॉग शूट करेंगे आज। दुकान में और ये बैठे हुए हैं मोहित भाई, यार काफी ज्यादा मोटे हो गए, पता है स्कूल छोड़ते काफी मोटे हो गए ना, स्कूल छोड़, कैमरा बंद कर, क्या काट डर होगा, खुश हो गए बहुत ज्यादा है, बिजनेस अपना अच्छा चल रहा है, बस ठीक है, वाह तो मोटा तो होता ही होता है, कहते हैं और खुश आदमी सुखी आदमी मोटा होता है, हाँ टेंशन में आदमी पतला हो जाता है, पतला हो जाता है, देख लो आप पतले हो रहे हो, आप तो निचोड़ रहे हैं, हम देख लो अपने काम में, वाह वाह वाह, सही बात है, सही बात है। और भाई बताओ कैसा चल रहा काम शाम? जो किया लाइफ में रिग्रेट नहीं है, और आज मोहित भाई हमें पार्टी देंगे, पता बिल्कुल पार्टी, पार्टी ये लोग शॉपिंग करके जा रहे हैं 5,000 की, तो मैं इनको पार्टी, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल वो बात लगा, इनको सैलरी नहीं मिली, 5,000 काल्पनिक, वो बात लगा, इनको सैलरी नहीं मिली, देखो पीछे, लेकिन शॉपिंग इनको मिलने वाली है, चलो यार हम चलते हैं, पिछले के आते हैं ना। मोहित भाई की दुकान में मंगवाए हैं मोमोज, एक प्लेट फ्राइज और एक प्लेट स्टीम, और साथ में 3 कोल्ड ड्रिंक लिमका, और मोहित भाई को बोला वो डालने के लिए, और हमारे दूसरे मोहित भाई पता नहीं कहाँ चले गए बाहर, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, वो अभी आए रहे, तो तब तक आते तो तब तक हम निकाल के रखते बाहर। ओहो हो, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, आओ आओ, हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल, ये मोहित भाई की तरफ से पार्टी है, ये क्या नेम फेम गेन का दुकान, आओ मोमोज खाते हैं, ये लो गाइस, अगर कोई भी यहाँ पर मतलब विजिट करता है नहीं शॉप पे, तो मेरे नाम से आपको 100 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में, ओके भाई ठीक है, लेके भी जाएगा, भाग ना भाग ना, क्या लेके भी जाएगा, ऐसे गप्पे मार के चल जाता, गजब बेइज्जती है। Thank you.